हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग दो प्रॉपर्टी देखेंगे। पहला है हमारा फर्स्ट चाइल्ड और दूसरा है फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। सो फर्स्ट चाइल्ड क्या करता है? द फर्स्ट चाइल्ड प्रॉपर्टी रिटर्न्स द नोड्स फर्स्ट चाइल्ड इन द ट्री और नल इफ द नोड हैज नो चिल्ड्रन। इफ द नोड इज अ डॉक्यूमेंट, इट रिटर्न्स द फर्स्ट नोड इन द लिस्ट ऑफ इट्स डायरेक्ट चिल्ड्रन। इट इंक्लूड्स टेक्स्ट नोड एंड कमेंट नोड। वाइट स्पेस इनसाइड एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज टेक्स्ट एंड टेक्स्ट इज कंसिडर्ड एज नोड्स। एनी वाइट स्पेस विल क्रिएट अ टेक्स्ट नोड फ्रॉम अ सिंगल स्पेस टू मल्टीपल स्पेस रिटर्न्स टैब्स एंड सो ऑन। सो वही है कि फर्स्ट चाइल्ड क्या करेगा, फर्स्ट चाइल्ड पेरेंट के फर्स्ट चाइल्ड को रिटर्न करेगा। अब वह फर्स्ट चाइल्ड अगर इंटर की भी है तो भी रिटर्न कर देगा, स्पेस है तो भी रिटर्न कर देगा, अगर टैब है तो भी रिटर्न कर देगा। यानी कि ये एक्सेप्ट करता है वाइट स्पेस को, टेक्स्ट नोड है तो टेक्स्ट नोड को भी, कमेंट नोड है तो कमेंट नोड को। यानी कि फर्स्ट चाइल्ड अगर टेक्स्ट नोड है, कमेंट नोड है या फिर एनी वाइट स्पेस है तो ये उसी को फर्स्ट चाइल्ड मान लेगा और रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड की, तो द फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड प्रॉपर्टी रिटर्न्स द एलिमेंट्स फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट नोड इन द ट्री और नल इफ द नोड हैज नो चिल्ड्रन एलिमेंट। इट इग्नोर्स टेक्स्ट नोड एंड कमेंट नोड और एनी वाइट स्पेसेस। यानी कि कोई भी वाइट स्पेस है तो उसको इग्नोर कर देता है। यानी कि अगर पेरेंट का तीन चाइल्ड है जिसमें से पहला चाइल्ड वाइट स्पेस है और दूसरा कोई एलिमेंट है, तो वो पहला जो वाइट स्पेस है उसको इग्नोर कर देगा और दूसरा है उसका दूसरा चाइल्ड, बट उसको ये पहला चाइल्ड मानेगा क्योंकि ये टेक्स्ट नोड, कमेंट नोड और वाइट स्पेस को इग्नोर कर देता है। इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। इस डायग्राम में देखते हैं कि क्या कहा जाता है फर्स्ट चाइल्ड का मतलब। जैसे कि मुझे हेड का फर्स्ट चाइल्ड जानना है, फर्स्ट चाइल्ड प्रॉपर्टी के द्वारा, फर्स्ट चाइल्ड प्रॉपर्टी के द्वारा मुझे जानना है हेड का फर्स्ट चाइल्ड, तो ये प्रॉपर्टी इसका फर्स्ट चाइल्ड बताएगा ये वाला, जो कि एक टेक्स्ट नोड है इंटर की वजह से, तो ये रिटर्न करके मुझे दे देगा फर्स्ट चाइल्ड के तौर पर। लेकिन वहीं अगर मैं इसी हेड टैग के फर्स्ट चाइल्ड को जानना चाहूँ फर्स्ट एलिमेंट नोड प्रॉपर्टी के द्वारा, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड इस प्रॉपर्टी के द्वारा, नोड नहीं चाइल्ड इस प्रॉपर्टी के द्वारा, तो ये इसको इग्नोर कर देगा। हालांकि ये इसका चाइल्ड है बट ये इसको इग्नोर कर देगा और ये इसको बताएगा टाइटल इसका फर्स्ट चाइल्ड है और ये इसको भी इग्नोर कर देगा। हालांकि यहाँ तक तो जाएगा ही नहीं है, सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड इसको यहीं मिल जाता है, तो ये इसी को रिटर्न कर देगा और गेम ओवर। अब इस पी टैग को देखिए, अगर इस पी टैग का, इस एलिमेंट का, इस नोड का अगर आप फर्स्ट चाइल्ड जानना चाहते हैं फर्स्ट चाइल्ड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, तो इसका फर्स्ट चाइल्ड कौन है? ये पैरा, यानी कि जो कि एक टेक्स्ट नोड है, तो ये आपको रिटर्न करके दे देगा। ये जो है फर्स्ट चाइल्ड, इसको रिटर्न करके दे देगा। लेकिन यही सेम चीज़ अगर आप फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड के थ्रू अगर पता करना चाहें, तो ये जो है फर्स्ट चाइल्ड देखेगा नहीं, ये तो टेक्स्ट नोड है, टेक्स्ट नोड इग्नोर कर दिया जाता है फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड के द्वारा, तो इसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो आपको रिटर्न मिलेगा नल। सो यही पूरा कॉन्सेप्ट है इसका। इसको एग्जांपल में देखते हैं क्विकली, ये बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अभी छोटा छोटा कॉन्सेप्ट ही मिलेगा, बस पिछला वाला हमारा थोड़ा सा बड़ा था जो कि करीब एक घंटे का हो गया है मेरे ख्याल से। सो कोड वही है, सेम है, H1 है, माई आईडी है। यहाँ अगर देखें डॉक्यूमेंट्री तो यहाँ एक होगा आपका न्यू लाइन यानी कि इंटर की, और इसका कमेंट है, इसका स्पैन है, इसका ईएम है, कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4 लगभग 4 या 5 चाइल्ड इसके होंगे। ओके, सो देखते हैं कि इसका फर्स्ट चाइल्ड कौन सा हमें दिखाता है फर्स्ट चाइल्ड का इस्तेमाल करके और कौन सा हमें फर्स्ट चाइल्ड दिखाता है फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड का इस्तेमाल करके। सबसे पहले मुझे उस एलिमेंट तक पहुँचना पड़ेगा, तो मैंने वायर रिजल्ट इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी लिखा और मैंने यहाँ लिख दिया माई आई डी और मैं वहाँ उस एलिमेंट तक पहुँच गया। अब मुझे उसका फर्स्ट चाइल्ड देखना है, तो मैं डायरेक्ट
कर देता हूँ क्या, कॉन्सोल लॉग और यहाँ रिजल्ट डॉट फर्स्ट चाइल्ड सबसे पहले करके दिखाता हूँ, फर्स्ट चाइल्ड। सेव कीजिए इसको, सेव करने के बाद इसको आप यहाँ से रिफ्रेश कर लीजिए। आप देखेंगे यहाँ आपको टेक्स्ट दिखाई देता है जो कि एक इंटर की है। सो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक इंटर की है, तो यही इसका फर्स्ट चाइल्ड बन जाता है। वहीं अगर आप इसको फर्स्ट चाइल्ड के बजाय फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड लगा कर देखें, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, तो ये क्या करेगा, ये इसको इग्नोर कर देगा, ये इस कमेंट को भी इग्नोर कर देगा, ये डायरेक्ट आपको बताएगा इसको फर्स्ट चाइल्ड यानी कि स्पैन को। तो सेव कर लिया है मैंने, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ देखेंगे ये आपका फर्स्ट चाइल्ड है इस प्रॉपर्टी के द्वारा। ठीक है, अभी अगर इसमें आपको कंटेंट चेंज करना है, फॉर एग्जांपल आप चाहें तो फर्स्ट चाइल्ड के कंटेंट को डिस्प्ले भी कर सकते हैं और इसको चेंज भी कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले करना है मान लीजिए, तो सिंपली इसको पूरे को डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ रिजल्ट डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड और मैंने सेमी कॉलन दिया। अभी अगर इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो अभी हमें ये बताएगा कि ये किस टाइप का है। ठीक है, स्पैन एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, स्पैन एलिमेंट, कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसके अंदर का कॉन्टेंट चाहिए। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट लिख दूंगा। सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसके अंदर का जो भी कॉन्टेंट होगा वो मुझे यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब चूंकि हम लोग को दिखाई दे रहा है तो जाहिर सी बात है हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। सो चेंज करते हैं, जैसे कि मुझे ये यहाँ वी आर लर्निंग जेएस नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। सो हम लोग इसके फर्स्ट चाइल्ड को यानी कि H1 के फर्स्ट चाइल्ड को एक्सेस करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू और इसके इस टेक्स्ट को चेंज कर देंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। यहाँ से इसको हटाते हैं, इसको एक इसको भी हटाते हैं, इक्वल साइन देना है और यहाँ पर आई एम लर्निंग डोम कर देते हैं। इसमें क्या हो रहा है देखिए, ये रिजल्ट यहाँ गया, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, ये फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड स्पैन में गया, टेक्स्ट कंटेंट यहाँ और इस चीज़ को हम लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं नए टेक्स्ट से। सेव करते हैं इसको, सेव करने के बाद इसको यहाँ देखिए, अभी वी आर लर्निंग जैसे इसको रिफ्रेश करने के बाद यहाँ आपको आई एम लर्निंग डोम दिखाई देने लगेगा। सो बस यही है, अगर यहाँ पर आप लिखते हैं फर्स्ट चाइल्ड और सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इसका कंटेंट क्या हमें दिखाई देता है। सो इसको हटाते हैं, कंसोल लॉग ये आपको वाइट इंटर की दिखाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डायरेक्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पर फर्स्ट चाइल्ड के थ्रू देखते हैं कि क्या हमें दिखाई देता है। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, देखिए यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, लेकिन इसमें अगर हम लोग कुछ असाइन करते हैं, ये मैंने असाइन किया यहाँ आपका मान लीजिए हेलो वर्ल्ड, तो ये जो कंटेंट हम लोगों ने असाइन किया है ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड इसका ये है। ठीक, तो सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ आ गया हेलो वर्ल्ड, आ गया ना हेलो वर्ल्ड। सो इस तरीके से आप फर्स्ट चाइल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइज यही है, फर्स्ट चाइल्ड इजी सा है और फर्स्ट चाइल्ड जो है ये इक्विवेलेंट होता है, चाहे फर्स्ट चाइल्ड हो, देखिए फर्स्ट चाइल्ड जो है वो इक्विवेलेंट होता है किसके, चाइल्ड नोड्स, आ गया यार, चाइल्ड नोड्स ये जीरो इंडेक्स के साथ, ये भी आपको फर्स्ट चाइल्ड को एक्सेस करके देता है और फर्स्ट चाइल्ड भी आपको फर्स्ट चाइल्ड को एक्सेस करके देता है। उसी तरीके से फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड इक्विवेलेंट होता है चिल्ड्रन जीरो इंडेक्स के। सो दोनों में कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो जब भी आपको फर्स्ट चाइल्ड चाहिए तो आप फर्स्ट चाइल्ड लिखिए, बिकॉज ये स्पेसिफिक है तो पढ़ने में ईजी होता है और समझने में भी ईजी होता है। ऐसा लिखने से थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है कि क्या हुआ है। सो गाइस यही है आपका फर्स्ट चाइल्ड एंड फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।